हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीरज है। और इसके पहले हम लोग आईएल कोड के बारे में जाने और आईएल कोड मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होता है, जीट के द्वारा होता है हम लोग जाने, जीट कैसे काम करता है हम लोग जाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीट कितने तरह का होता है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स? इन माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जीट कंपाइलर्स, लाइक नॉर्मल जीट कंपाइलर्स, इकोनो जिट कंपाइलर्स, थ्री जिट कंपाइलर्स। जो हम लोग बाय डिफॉल्ट जिट कंपाइलर्स यूज़ करते हैं वो नॉर्मल जिट कंपाइलर्स होता है। नॉर्मल जिट कंपाइलर्स कंपाइल्स ओनली दोज मेथड दैट आर कॉल्ड एट रन टाइम, दीज मेथड आर कंपाइल्ड द फर्स्ट टाइम दे आर कॉल्ड। मतलब अगर जिट कंपाइलर हम लोग यूज़ करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड देन दे आर स्टोर्ड इन कैचे व्हेन द सेम मेथड आर कॉल्ड। हमारे पास आयल कोड है, जिट कंपाइलर कॉल होता है, उस आयल कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और उस कोड को कैचे में रख लेता है। फिर दोबारा से जब रिक्वेस्ट आता है तो वो जो यूज़ करता है उसी कैचे को फिर से यूज़ कर लेता है। द कंपाइल कोड फ्रॉम कैचे इज यूज फॉर एग्जीक्यूशंस। तीनों में जो डिफरेंट है, नॉर्मल जिट, इकोनो जिट, प्री जिट, इस पर हमको फोकस करना है। क्वेश्चन हम लोगों को आ सकता है कि if interviewer ask like how many types are JIT compilers, you will told like there is three type of JIT compilers, normal JIT, econo JIT, pre JIT. The cross question would be, what is the difference between these three? Normal JIT जो होता है default compiler होता है, और जब IL code को convert करता है machine में तो जो code होता है compiled code उसको कैचे में रख लेता है, फिर से जब request आता है तो कैचे से कोड को उठा के एग्जीक्यूट करता है। इकोनो जिट जो होता है वो जब कोड को कंपाइल करता है तो कैचे में नहीं रखता है, एवरी टाइम कोड को कंपाइल करता है। प्री जिट कंपाइल्स कंप्लीट सोर्स कोड इनटू नेटिव कोड इन अ सिंगल कंपाइलेशन साइकिल, दिस इज डन एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस। मतलब कि जब हम प्रोग्राम को डिप्लॉय करते हैं उसी समय आयल कोड को कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेता है और रख लेता है, बाद में ये फिर नहीं करता है। तो ये तीनों में ही डिफरेंस है। नॉर्मल जिट है उसका वॉइस वर्सा होता है इकोनो जिट, और प्री जिट जो होता है एक ही बार बंडल बना लेता है एक ही बार और बार बार नहीं करता है। तो यही डिफरेंस है नॉर्मल जिट, इकोनो जिट एंड प्री जिट में। हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।